ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स, यानी ए का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम रहता है। तो इसके अंदर दो केस आते हैं, पहला ये कि ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट और दूसरा ये कि ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट। ओके, तो पहले ये वाला केस डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, सो लेट इट बी एन, मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज एन, तो बाय डेफिनेशन ए की पावर एन आ जाएगी ई, ए टू द पावर एन इज ई। ए टू द पावर एन का क्या मतलब हुआ कि ए को एन टाइम्स ऑपरेट करना, और यहाँ पे हम कन्वीनियंस के लिए डॉट ले रहे हैं यानी मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। सो अप टू ए इज इक्वल्स टू ई एन टाइम्स। ओके, दोनों तरफ इनवर्स ले लेंगे, सो इट इज ए डॉट ए अप टू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई इनवर्स। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ए बी का जो इनवर्स होता है विच इज इक्वल्स टू उल्टा हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यहाँ पे भी यही होगा, पहले इसका इनवर्स आएगा ए इनवर्स, फिर इसके पीछे का इनवर्स ए इनवर्स अप टू जो पहला वाला था। हालांकि ये सब सेम है लेकिन फॉर्मूला ये लगाया है। ओके, विच इज इक्वल्स टू ई का इनवर्स इज ऑलवेज ई, ये भी कितनी बार हुआ एन टाइम्स, इसका मतलब ये कि ए इनवर्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ई। और हमने पढ़ा था कि अगर किसी एलिमेंट का कोई पॉजिटिव पावर अगर ई के बराबर आता है, दिस इम्प्लाइज कि उसका जो ऑर्डर है वो हमेशा उस एन से छोटा या फिर उसके बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन एन जो है वो फाइनाइट है, दिस इज फाइनाइट, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स किसी फाइनाइट नंबर से छोटा है, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज फाइनाइट। तो पहली बात हमने ये प्रूव कर दी कि ये फाइनाइट है, दूसरे केस में ये प्रूव करना है कि वो फाइनाइट ही नहीं जबकि उसके बराबर ही होता है। तो मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज एम, और हमें ये शो करना है कि एम इज इक्वल्स टू एन। ओके, तो किसी दो नंबर्स को इक्वल कैसे दिखाते हैं, पहले एम लेस देन इक्वल्स टू एन और सेकेंड केस में एन लेस देन इक्वल्स टू एम, तो दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने एक चीज़ प्रूव कर दी, यहाँ से फ्रॉम वन, आप फ्रॉम वन लिख सकते हो, फ्रॉम वन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज एम विच इज लेस देन इक्वल्स टू एन। ओके, तो ये वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब ये वाला पार्ट प्रूव करना है कि एन टू द पावर सॉरी एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम, उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे। देखिए एक इनवर्स का जो ऑर्डर हमने माना है वो है एम, इसका मतलब ये कि ए इनवर्स टू द पावर एम इज इक्वल्स टू ई, यानी कि अगर आप ए इनवर्स को एम टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको मिलेगा ई विच इज एम टाइम्स। ओके, ऊपर के केस में किया था बिल्कुल उल्टा करना है, दोनों तरफ फिर से इनवर्स ले लेंगे, तो ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ई इनवर्स। ओके, फिर से ये इनवर्स यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर हमने लगाया था कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स इज ए। हमने पहले एक वीडियो में पढ़ा है कि ए इनवर्स का इनवर्स लो तो उसका आंसर ए आता है, सो ए अप टू ए विच इज एम टाइम्स और ई का ई। ओके, और इसका मतलब ये है कि ए टू द पावर एम इज इक्वल्स टू ई, ए का जो ऑर्डर है वो है एन, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एम, लेकिन ए का ऑर्डर है एन, सो एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम। और हमने यहाँ से दो चीज़ें, हमने ये वाला प्रूव कर दिया कि एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम। ओके, तो एक ये इक्वेशन और दूसरी ये वाली इक्वेशन, इससे प्रूव होता है कि एम इक्वल्स एन। तो हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज ऑल्सो फाइनाइट, और सिर्फ फाइनाइट ही नहीं वो दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट वी विल सी ऑर्डर ऑफ
A is infinite, then order of A inverse is also infinite. So order of A inverse cannot be finite, यानी कि उसका जो order है वो भी infinite ही होगा. तो मान लेते हैं, let's suppose कि order of A inverse is finite. अगर finite है तो वो किसी m के बराबर होगा. It means A inverse की power m is equals to e. Power m का inverse is equals to e. So a to the power m is equals to e inverse. ये कैसे किया? दोनों तरफ inverse ले लिया. Okay? Taking inverse on both the side. तो a to the power m is equals to e. This implies order of a is less than equals to m. और m कोई finite है. This implies order of a is finite, which is contradiction. इसलिए हमारा जो order of a inverse is not finite. Okay? तो ये था theorem.